मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश का आए दिन सौगात दे रहे हैं। महिला और युवन का बढ़ावा दे खातिर कोनो न कोनो योजना आजकल निकलती रहा। सीएम आत्मनिर्भर भारत खातिर युवन का सशक्त बनावे खातिर आए दिन फैसला लेता। हाल ही में सीएम शिवराज के युवन का एक और बड़ा तोहफा मिला है। बता दें कि जो युवा अपने बिजनेस का स्टार्ट करे के योजना बना रहे हैं उनके खातिर अगर यह योजना पारित हो जाती तो बेहद कारगर हुई। 50 लाख रुपया तक के लोन दे के सरकार के द्वारा बात कही गई है, जहां बड़ी बात यह है कि एकर ब्याज के भुगतान खुद सरकार के द्वारा की जाए। तो विंध्य क्षेत्र के पहली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत सर्वजनिक का प्रणाम कहते शुरू करते बड़ी खबर से। बता दें कि सीएम शिवराज कई लगातार प्रदेश के जनता का सौगात दे रहे हैं। प्रदेश और प्रदेशवासियों का समूचा विकास इनका लक्ष्य है। कड़ी में सरकार के द्वारा जनसेवा अभियान के शुरुआत की गई, जेकर उद्देश्य पात्र हितग्राहीन का प्रदेश में जारी सब योजना के लाभ दिवावे रहा। यही अभियान के तहत गांव-गांव शिविर लगाए के सरकार के द्वारा हर पात्र हितग्राही तक लाभ पहुंचावे की कोशिश लगातार कीन जा रही है। एक साथ है मध्य प्रदेश में विकास के नई परिभाषा घला लिखी जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज के द्वारा शिविर मंच के माध्यम से लोगन का जानकारी दी गई कि अभियान के तहत बिना कोनो बाधा के बिना कुछ लिए दिए सब योजना के लाभ मिली। बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा जनता का उद्यम क्रांति योजना से होए वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। दौरान बतावा गया कि योजना के तहत हितग्राहीन का 1 लाख रुपया से लेके 50 लाख रुपया तक के लोन दिवावा जाई, जेकर गारंटी सरकार के द्वारा ली जाई। इतने नहीं 7 साल तक 3% ब्याज के घलाए सरकार के द्वारा ब्याज के भुगतान की जाई। निश्चित तौर पर ये योजना से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी घटी और लोगन का रोजगार के नया अवसर प्राप्त हुई। बताए दी के मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के बारे में जानकारी देने का बतावागा कि योजना के अंतर्गत जे के शख्स फल के ठेला चाय की गुमटी जैसा छोट मोट व्यवसाय शुरू करे चाहा था उनका 10,000 रुपया तक के लोन दिवावा जाई। एमा उनका कोनो प्रकार के ब्याज जो है लोन ले वाले कर चुकाए ना पड़ी बल्कि सरकार या ब्याज अदा करी। बता दी कि अगर एक या जो लोन ले वाला शख्स है अगर 1 साल तक के भीतर अपन लोन के भुगतान कर देता 10,000 रुपया बैंक में वापस जमा कर देता तो अगली बार 20,000 रुपया के लोन मुहैया करावा जाए। इतने नहीं अगर वह इंसान अगर व्यक्ति के द्वारा समय सीमा के भीतर अगर 20,000 रुपया जमा करा दिन जाते तो अगली बार 50,000 रुपया तक के लोन मिल सकत है। तो यह मेर के योजना निकाली गई। बता दी कि योजना से न केवल व्यक्ति का अपन व्यवसाय शुरू करे में मदद मिली बल्कि व्यवसाय का जमावे में घलाए सरकार के द्वारा पूरी मदद की जाए। तो दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।